जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, लेफ्ट साइड में पोको X3 प्रो डिवाइस है। स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर के साथ ये डिवाइस आती है और 20,000 की कीमत में मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड डिवाइस है वो है OnePlus 8T, जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आता है और इससे डबल मीन्स पोको X3 प्रो से डबल 40K के आसपास इसकी कीमत है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों ही डिवाइस में और देखेंगे कि कौन सी डिवाइस सबसे आगे निकलती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बूटिंग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों डिवाइस को मैंने बूट किया है, फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो OnePlus 8T है इसने सबसे पहले बूट कर दिया है, उसके थोड़े सेकेंड बाद पोको X3 प्रो जो है वो बूट हुआ है। तो बूटिंग टेस्ट में OnePlus 8T जो है वो बाजी मार जाता है। अगला टेस्ट दोस्तों यहाँ पे कंप्रेस टेस्ट है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने फास्ट ये डिवाइस जो है कंप्रेस करता है। यहाँ पे 600 MB प्लस की यहाँ पे फाइल है एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की, जिसे यहाँ पे मैंने कंप्रेस किया है दोनों ही डिवाइस में सेम साथ टाइमिंग में। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। OnePlus 8T थोड़ा आगे निकल रहा है और X3 Pro भी यहाँ पे पीछे ही है उसके। यहाँ पे देख सकते हो थोड़े से सेकंड से जो OnePlus 8T जो है उसने यहाँ पे पहले कंप्लीट किया है। अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो आपको थोड़ा सेकंड्स का अंतर दिखेगा और यहाँ पे OnePlus 8T जो है इसने पहले किया है। तो अगेन से दोस्तों इस टेस्ट में भी OnePlus 8T जो है वो बाजी मारता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइस को मैंने सेम वाईफाई Realme 6 से कनेक्ट किया हुआ है। अब प्ले स्टोर से हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखेंगे कि डाउनलोडिंग स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो कैरम जो एप्लीकेशन है उसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं इसे कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ी कम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो OnePlus 8T है स्लो मोशन में अगर देखोगे तो इसने पहले कंप्लीट किया है और अभी भी यहाँ पे Poco X3 Pro में इंस्टॉलिंग प्रोसेस जारी है। तो इस टेस्ट में भी यहाँ पे OnePlus 8T जो है पास हो जाता है, सबसे आगे निकलता है। अब कुछ ऐप जो है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसे हम देखेंगे कि सबसे पहले ओपनिंग स्पीड किसकी ज़्यादा फास्ट है। सबसे पहले एंटीटू बेंचमार्क स्कोर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइस ने साथ में ओपन किया। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर जो पोको का है वो है 4,24,000 के आसपास और 5,71,000 के आसपास है OnePlus 8T का। वैसे इससे पहले Poco X3 Pro में मैंने एंटीटू बेंचमार्क स्कोर चेक किया था, 4,50,000 के पास था। यहाँ पे कुछ थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ऐप्स इंस्टॉल है, OnePlus 8T में भी ऐप्स इंस्टॉल है, बट ऑफिशियली जो पोको क्लेम करता है 5,75,000 के आसपास स्कोर, वो इसमें नहीं आया है। Thank you.
तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी टेस्ट हमने किए, बूटिंग टेस्ट, कंप्रेस टेस्ट और डाउनलोडिंग टेस्ट और इवन ऐप ओपनिंग टेस्ट, यहाँ पे जो वन प्लस 8T है वो सबसे आगे था। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, जो पोको X3 प्रो है वो भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है। 20K और 40K प्लस में बहुत अंतर होता है। 20K तक आकर आप कोई अच्छी मोबाइल परचेस करना चाहते हैं इस प्रोसेसर के साथ, तो इस मोबाइल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। वैसे पोको X3 प्रो के रिगार्डिंग और भी बहुत से वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।